बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है रायपुर से, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदर्शन से राहुल गांधी संतुष्ट हैं। आपको बता दें कि 50 से अधिक सीटें जीतने की बात पीसीसी ने राहुल को बताई है। दिल्ली में हुई पीसीसी के प्रमुख नेताओं की बैठक, राहुल गांधी को आशंका है वोटों की गिनती में गड़बड़ कर सकती है भाजपा। मतगणना के दिन कांग्रेस कार्यकर्ता विशेष सतर्कता रखें, राहुल गांधी ने निर्देश भी दिए हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के परफॉर्मेंस से राहुल गांधी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो संतुष्ट कर लिया गया है, लेकिन जीत कैसे पाएगी ये एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। अधिक जानकारी के लिए जुड़े हैं संवाददाता दिलीप साहू। दिलीप, आपसे जानना चाहेंगे, रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदर्शन से राष्ट्रीय अध्यक्ष संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही मतगणना को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए हैं कांग्रेसियों को। जी सुनील, बताना चाहेंगे कि कल राहुल गांधी के समक्ष प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए, जिसमें प्रमुख रूप से पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू सहित आधा दर्जन नेता वहां उनके साथ मीटिंग किए, और साथ ही साथ जो विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ उसकी समीक्षा रिपोर्ट सौंपी उनको। और इन्होंने बताया कि इन्होंने आश्वस्त किया कि 50 से ज्यादा सीटों के जीत के साथ ही यहाँ सरकार बना रही है छत्तीसगढ़ में। इसको लेकर राहुल ने सभी रिपोर्ट पर समीक्षा की, उसके बाद संतुष्टि जाहिर की उन्होंने। और इनकी टीम भावना को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के पीसीसी टीम ने यहाँ जिस तरह से काम किया, इसको लेकर बधाई दिया। साथ ही साथ उन्होंने मतगणना के दिन के लिए भी उनको विशेष हिदायत दिया कि वो उस दिन ध्यान रखे, क्योंकि जो मतगणना होती है उसमें गड़बड़ी की जा सकती है। और इसके लिए खासकर भाजपा को दोषी दिया कि भाजपा के तरफ से इस तरह की गड़बड़ियां की जा सकती है, और पूरे देश में जिस तरह से माहौल है तो उसको ध्यान में रखते हुए विशेष हिदायत बरतने की निर्देश दिया। लेकिन दिलीप, जैसे देखा गया है कि 11 तारीख को मतगणना होने वाली है, रिजल्ट सामने आएंगे और देखना होगा कि कांग्रेस का भविष्य छत्तीसगढ़ में क्या होगा, लेकिन ऐसे में अगर बात करी जाए मतगणना के दिन की, तो क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए राहुल गांधी ने? मतगणना के दिन के लिए विशेष टिप्स दिए गए हैं। इनके जो चार स्तरीय जो समिति बनाई गई है कि राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह निगरानी होगी, प्रदेश स्तर पर किस तरह निगरानी किया जाएगा, इसके साथ ही साथ बूथ स्तर पर और प्रत्याशी स्तर पर इस तरह के निगरानी के लिए, और उसमें काउंटिंग के दौरान जिस तरह के काउंटिंग के लिए जिस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है उसके शुरुआत भी करेंगे। 3 तारीख से यहाँ रायपुर सहित अलग अलग संभागवार यहाँ के जो इनके एजेंट जो बनेंगे और प्रत्याशी हैं उनको विशेष ट्रेनिंग दिया जाएगा कि मतगणना के दौरान जो राउंड वार जिस तरह से गणना की काउंटिंग की जाती है उसमें किन किन पहलुओं पर ध्यान देना है और किस तरह से सजगता के साथ वहां बने रहना है। टेबल छोड़ने के पहले दूसरे एजेंट को अब चीजें सौंपनी है, इस तरह की सारी चीजों को लेकर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित करेंगे। इसके लिए भी एक तैयारियां शुरू कर दी है और 3 दिसंबर से यहाँ 4, 5, 6, 7 तक इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलेगा। अलग अलग संभागवार सभी लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, इसकी भी एक रूपरेखा तय की गई।